पीजी वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, आप लोगों ने एक स्कीम देखी होगी जो आपकी सेकंड सेमेस्टर और जो आपकी फोर्थ सेमेस्टर की लगातार वायरल हो रही है। क्या है इसमें, मैं आइए आपको पूरी जानकारी देती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये CSEMU की तरफ से ऑफिशियल स्कीम है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जान लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तथा हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट, हमारा एप्लीकेशन पीजी पॉइंट से जुड़ना नहीं भूलिएगा। पीजी पॉइंट ऐप पर आपको बीएड सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के सारे नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको 1300 से भी ज़्यादा MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे। इतने आपको MCQs क्वेश्चन संख्या में कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, है ना। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो बिल्कुल पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए और आप ले सकते हैं। आइए अब हम आपको लास्ट में ये भी दिखाएंगे कि कैसे हैं हमारे MCQs क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले हम आपको सच्चाई बताते हैं कि ये है क्या, और इस स्कीम से ये जो 10 से 1 टाइमिंग है, इससे क्या एनालिसिस हम करेंगे, वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहली बात तो हम आपको ये स्कीम दिखाने से पहले ये बता देते हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 जून 3 जून 6 जून और 8 जून को बीएड सेकंड सेमेस्टर के 10 बजे से 1 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का पेपर दिया हुआ है। उसी के साथ में फोर्थ सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं उनका 2 जून 5 जून 7 जून और 9 जून को पेपर दिया हुआ है, जो कि आपका 10 बजे से 1 बजे तक है। लेकिन 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 क्या ये सही है मैम स्कीम? हमने कहा बिल्कुल नहीं सही है। क्यों नहीं सही है मैम? हमने कहा अभी 31 मई तक तो आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म ही भरे जाएंगे, तो इतनी जल्दी तो एग्ज़ाम्स होने की एकदम संभावना ही नहीं है। तो तब जब मैंने एनालिसिस किया तो इसके पीछे का जो ऑफिशियल लेटर था वो ये था पूरा कंप्लीट, कि 18 मई को ये आपकी स्कीम जारी की गई और ये एकदम सही है, लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग CSEMU के एफिलेटेड कॉलेजेस जो हैं उनसे बीएड कर रहे हैं। ये स्कीम उन बच्चों के लिए है जो यूनिवर्सिटी यानी कि CSEMU के कैंपस से अपना बीएड कंप्लीट कर रहे हैं, ये उनके लिए है। क्या मैम इन लोगों का फोर्थ सेमेस्टर जल्दी हो जाएगा? हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो इन्होंने, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, विश्वविद्यालय परिसर स्थित संस्थानों की सम सेमेस्टर की परीक्षा संबंध में ये है, है ना। और ये पूरा इन्होंने साफ साफ बताया कि विश्वविद्यालय परिसर यानी कि जो यूनिवर्सिटी से बच्चा कर रहा उसके लिए है, ठीक है मैम। लेकिन 3 घंटे से हम क्या एनालिसिस निकालें? हमने कहा इसका सिंपल सा एनालिसिस मैं आपको बता दूं। मैंने, मेरे पास यूनिवर्सिटी के बच्चों से भी कांटेक्ट है, वहाँ के टीचर्स वगैरह से भी थोड़ा बहुत कुछ है, तो मैं आपको उसके बेसिस पे बता दूं कि यूनिवर्सिटी में जो बच्चों के पेपर हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों, चाहे सेकेंड के हों, चाहे थर्ड के हों, चाहे अभी अंतिम सेमेस्टर उनका फोर्थ हो, आज तक उनका MCQs फॉर्मेट में पेपर नहीं हुआ है। चाहे आप अपने आसपास कलीग आपके जो भी यूनिवर्सिटी कैंपस से कर रहे हो उनसे पूछिएगा, इन बच्चों का आज तक कभी MCQs फॉर्मेट में पेपर नहीं हुआ है। तो जो बच्चे ये स्कीम देख करके ये सोच रहे हैं कि हाय 3 घंटे का टाइमिंग दिया है, तो मैम इन लोगों के अगर सब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं तो हम लोगों के भी फिर सब्जेक्टिव होंगे, हमने कहा बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब आप लोगों के सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव हुआ था, चाहे वो आपका सेकेंड सेमेस्टर हो या फर्स्ट, तो उसमें तब भी इन बच्चों के कैंपस वाले जो बच्चे थे इनके थ्योरेटिकल ही पेपर हुए थे। समझ में आ रही बात? तो इससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम मोड क्या है और आप लोगों के जो एफिलेटेड कॉलेज हैं आप लोगों का एग्ज़ाम मोड क्या होगा, इससे आपस में कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों का जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उसका पैटर्न भी अलग होता है, सब्जेक्टिव मोड का आप लोगों का पैटर्न भी अलग होता है ना। तो पहली बात तो कोई सिंगल मतलब नहीं है इन चीज़ों का, है ना। इतनी बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये स्कीम जो है वो कैंपस वाले बच्चों की है, लेकिन इससे आप एक अनुमान ज़रूर ये लगा लीजिएगा कि अगर यूनिवर्सिटी सारे फैसले इतनी जल्दी कर रही है तो आप लोगों के एग्ज़ाम में भी देरी तो नहीं करनी चाहिए, है ना। देरी तो नहीं होगी, तभी आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। हमेशा ऐसा देखा गया है कि एग्ज़ाम फॉर्म जैसे ही भर जाते हैं, है ना, उसके 20 दिन के जो है लगभग क्या होता है आपका स्कीम आपकी जारी कर दी जाती है, जो आपका कि कौन से दिन कौन सा पेपर होगा।
जिस दिन जब ये आपके सारे कॉलेज के एग्ज़ाम फॉर्म भर जाएंगे अफिलेटेड कॉलेज जो हैं, फ़िलहाल तो डेट 31 है, कभी कभी डेट बढ़ती है घटती है, खैर उसकी तो हम नहीं कहेंगे कि बढ़ेगी कि नहीं, लेकिन जब ये एग्ज़ाम फॉर्म भर जाता है कंप्लीट फाइनल जो डेट होती है उसके लगभग 20 दिन तक में ही क्या करते हैं ये लोग, जो इनका पूरा शेड्यूल होता है, पूरा जो फॉर्मेट होता है वो जारी कर देते हैं। सेम सिनेरियो इस बार भी रहेगा, पहले बीए बीएससी बीकॉम के बच्चों के पेपर और उसके बाद में आपके बीएड वालों के पेपर होंगे, है ना, आसपास ही सब एकदम रहते हैं। तो अब इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बस अब आपको हम एक बार ये और बता देते हैं कि आपको जो हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो हमने क्लासेस प्रोवाइड किए हैं उसके विषय में ज़रा नोट्स एक बार हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं ताकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। इसके अलावा CSJMU जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनकी क्लासेस PG Point चैनल पे, PG Point एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम मौजूद हैं, आपके पेपर 3 की और पेपर 4 की भी। इसके अलावा हम आपको गाइड यही करना चाहेंगे कि चाहे आपसे कोई जितना भी कहे कि पेडागोजी के नोट्स हमसे ले लो, फलाने से ले लो, ढकाने से ले लो, लेकिन आप कभी किसी की नहीं सुनिएगा। पेडागोजी का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा, मतलब क्या होता है, सब सबके अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो कभी पता चले हिंदी पेडागोजी का कठिन आ गया, इंग्लिश पेडागोजी का आसान आ गया, या फिजिक्स फिजिकल साइंस का आसान आ गया तो बायोलॉजिकल साइंस पेडागोजी का टफ आ गया, ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, हमने पिछले सेमेस्टर से एनालिसिस किया है। तो हम आपसे सिर्फ ये रिकमेंड करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों के पास जो भी पेडागोजी सब्जेक्ट है उनकी आप बुक लीजिए, हमने क्या कहा उनकी आप बुक लीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छी करिए। और पेपर 3 और 4 की किताब लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, पेपर 3 और 4 की हमने आप लोगों को जो क्लासेस दी हैं बुक की वही पर्याप्त हैं, और जो हमने आप लोगों को नोट्स दिया EVS के नोट्स में इस बार हमने आपको 1300 से भी ज़्यादा MCQs क्वेश्चन दिया है, कहीं नहीं मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। अब इसके अलावा बाकी अभी हम आपको एक बार नोट्स और दिखा देते हैं फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वालों को। ये है बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 1, और पेपर 1 में जो हमने आप लोगों को चैप्टर वाइज जैसे कि नोट्स दिया हुआ है, जैसे यूनिट 1 है तो यूनिट 1 के बाद अब चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का आपको ये पूरा 1 लीनियर नोट्स दिख रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से चैप्टर 2 का आपको 1 लीनियर नोट्स दिख रहा होगा, इसी तरीके से जैसे ये एंड हो जाएगा चैप्टर 3 का आपको 1 लीनियर नोट्स दिखेगा। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपका इसमें छूटा हो, जैसे ही चैप्टर 4 ख़त्म हो जाएगा आप देख पा रहे हैं। इस समय हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं भैया, यूनिट 3 पढ़ा रहे हैं ना, तो यूनिट 3 पढ़ा रहे हैं उसके भी आपको हम आपको नोट्स यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए जो भी सारे चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर 2 जो माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये आपका 4th यूनिट का है, इस तरीके से आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे जो आपके रिलेटेड होंगे, है ना। देखिए जैसे आपने कल हमसे क्या पढ़ा था, सर्जेंट रिपोर्ट पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। अब सर्जेंट रिपोर्ट से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि प्राथमिक शिक्षा के लिए नर्सरी स्कूल की स्थापना कहाँ से की गई, क्वेश्चन बन सकता है तो कहाँ से की गई भैया, सर्जेंट रिपोर्ट के द्वारा, इसमें 12 अध्याय थे, 1944 में प्रस्तुत की गई। इसी तरीके से जो आप लोगों के MCQs क्वेश्चन है वो भी आप देख लो, हमने आपसे कहा था 4 यूनिट के हिसाब से क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपका बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 1 है, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 के हिसाब से क्वेश्चंस मिलेंगे। हमारा चैलेंज है कि 1300 से ज़्यादा क्वेश्चन है इस PDF में, और हम ये गारंटी लेते हैं कि चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हों सारे, चाहे वो आपके जो आपके मार्केट में नोट्स वगैरह आते हैं ये, है ना, मॉडल पेपर, इजी नोट्स वगैरह, है ना, जो भी सीरीज वीरीज आती हो, उन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको हमारे इस नोट्स में मिलेंगे, ये हमारा चैलेंज है। जैसे इस सब्जेक्ट का नाम है ना एजुकेशन सिस्टम इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस, तो ये हमारा भी चैलेंज है, PG Point चैनल का भी चैलेंज है कि इससे ज़्यादा आपको कहीं MCQs देखने को नहीं मिलेंगे, वो भी एकदम अल्टीमेट राइटिंग में, और कहीं का कोई कॉपी पेस्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा, ये सारा हैंड रिटन कंटेंट है। इतने दिन के बाद में अगर हम आपको कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए रातों की मेहनत लगी है, आप बस ये जानिए। जिन बच्चों ने ले लिया है और जो बच्चे ये वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ज़रा आप लोग आज कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि जिन्होंने ये नोट्स नहीं लिए हैं उनको एक बार इस चीज़ का एहसास हो कि कितने अच्छे नोट्स हैं, है ना। ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसे कि पिछली बार हमने मात्र 650 क्वेश्चन बीएड सेकंड सेमेस्टर वालों को प्रोवाइड करवाया था पर्यावरणीय शिक्षा के, इस बार हमने उसमें 650 क्वेश्चन और ऐड करवा दिए हैं, यानी कि 1300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके EVS में भी हो गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सब क्वेश्चन इस बार हमने नए ऐड कराए हैं, कि जैसे पिछली बार हमने देखा कि इस टॉपिक से अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमने उन टॉपिक्स के भी क्वेश्चन ये देखिए आप सब ऐड करवा दिए हैं, है ना। तो इस PDF को भी ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट PDF है अगर आप बीएड सेकंड सेमेस्टर के हैं तो।
है ना। इसी तरीके से आपको करना कुछ भी नहीं है, पीजी पॉइंट ऐप खोलना है, उसमें आपको कोर्सेस पे आना है। जैसे ही आप कोर्सेस पे आएंगे, कोर्सेस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में आपको पेड कोर्सेज में यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है पर्यावरणीय शिक्षा के 1300 से ज़्यादा MCQs, कितने भैया 1300 से ज़्यादा, है ना। उसके बाद में शिक्षा के तकनीकी जो परिप्रेक्ष्य, इसमें 650 MCQs हैं और इसके साथ में वन लीनियर फॉर्मेट में नोट्स दिया हुआ है। उसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पर सीओल पे क्लिक करेंगे, तो बिल्कुल क्लिक करिएगा। सीओल पे क्लिक करने के बाद में हम आपसे बिल्कुल 110% कह रहे हैं कि जिन्होंने ये वाले नोट्स नहीं लिए पेपर वन के, एकदम 100% ले लो, इससे बाहर पेपर नहीं गए। यहाँ मैंने 1100 लिख दिया है, फिर हमने एडिट नहीं किया था, लेकिन 1300 से ज़्यादा MCQs क्वेश्चन है, प्लस वन चैप्टर, एक एक चैप्टर के नोट्स हैं। पैडागोजी के विषय में हम यही कहेंगे कि किताब ज़रूर पढ़ो, लेकिन अगर प्रैक्टिस करनी है तो सोशल साइंस पैडागोजी के अगर आप बच्चे हैं तो 1000 से ज़्यादा MCQs आपको यहाँ पर हमने दिए हैं, लेकिन केवल MCQs हैं। फिजिकल साइंस पैडागोजी के भी हमने आपको यहाँ पर 650 से भी ज़्यादा MCQs दिया है, ठीक है। हम कोई चोरी डकैती नहीं कर रहे हैं कि हम आपको बता दें कि नहीं नहीं हम आपको देंगे ये, हमने साफ साफ थंबनेल में भी मेंशन कर दिया है। अगर यहाँ पर लिखा है कि 1000 से ज़्यादा MCQs हैं तो फिर हाँ, ठीक। उसके अलावा हम आपको ये भी, ये तो सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं, आपका मन हो तो लो, मन हो ना लो, क्योंकि एक मेरा काम है कि हम आपको सारी चीज़ों से अवगत कराएं। बाद में ये बहुत बच्चे कह देते मैम हमें पता ही नहीं थी, तो अब आप ई नोट्स के सेक्शन में जैसे ही जाएंगे, ई नोट्स के सेक्शन में आप सी ऑल पे क्लिक करिएगा ऊपर ही, फिर आपको नीचे यहाँ पर सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ये जो पाठ्यचर्या का विकास वाला दिख रहा है ना, यही आपका पेपर 3 है। पेपर 3 पढ़ा रहे हैं, नोट्स ले लो, चुपचाप से पढ़ाई करना शुरू कर दो, जिनका जिनका जो सब्जेक्ट हो। अब आप यहाँ पर सीटेट के भी नोट्स देख पा रहे होंगे। सीटेट के नोट्स में अगर हम आपको एक भी सब्जेक्ट के विषय में बता दें, तो अगर आप किसी जो आपका वीक हो, चाहे हिंदी वीक हो, इंग्लिश वीक हो, मैथ्स वीक हो, CDP, अगर आप किसी एक का भी लेते हो ना, तो ये समझ लो मात्र 49 रुपये में है, ठीक। और उसमें हैंड रिटन नोट्स हैं और साथ में 500 MCQs क्वेश्चन से, उसके बाद में जो पैसे जाते हैं वो अलग हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये सब चीज़ें सुविधाएं हैं आपकी एप्लीकेशन पे। अगर आपने अभी तक नहीं इंस्टॉल किया है तो पीजी पॉइंट ऐप ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, हमारी इंस्टाग्राम ID है, आप हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप हमको तुरंत मेल करिए pgpoint100@gmail.com पे, है ना। मेल ID तो सबकी होगी। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से जुड़ जाइएगा। एग्जाम टाइम पे हम आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट देंगे, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करें, ठीक है। ये कुछ जानकारी है छोटी छोटी सी, जो हम आपको हर समय हर पल सर्वप्रथम अपने चैनल के माध्यम से जो है देते रहते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है सारी जानकारियाँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, तथा वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सुबह 10 बजे आपकी पेपर 3 की क्लास, और शाम को आपकी किसी भी समय पे हम पेपर 1 की क्लास ले लेते हैं, जिसकी जानकारी हम आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं, है ना। तो क्लासेस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।